हमें एक गाइड मिल गए हैं, इनका नाम है पुनीत त्रिवेदी द्विवेदी। ठीक है, एंड कभी भी अगर आपको इधर आना हो ग्वालियर तो आप इनसे ज़रूर मिलिए। एंड तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तीन दिन इसको बनाने लगते हैं, उसके बाद फिर यूज कैसे लगे हैट। तो ये महाराजा के, वन इज फॉर महाराजा, वन इज फॉर महारानी। इट वॉज थ्रोन, दैट इज ओनली फॉर महाराजा, दिस इज ओनली फॉर महारानी। ओके, बोथ चेयर मेड फ्रॉम सिल्वर, सिल्वर ईच चेयर हैविंग ए 56 किलोग्राम ऑफ प्योर एंड श्योर सिल्वर, एंड कैन सी द हैंडल्स, इट मेड फ्रॉम गोल्ड। ओके, और आप इधर देखेंगे तो महाराजा हैविंग सेट ऑफ द चेयर एज ए महाराजा, दैट पार्ट कन्वर्टेड टू हिज मेमोरी एज ए म्यूजियम। जब तक हिंदुस्तान में राजशाही रही, इट मीन्स राजा रानी लोग रहे, तब तक इसका इस्तेमाल किया गया, और जैसे ही हमारे डेमोक्रेसी आ गई इसको यहाँ रख दिया गया। महाराजा माधवराव सिंह फर्स्ट पीरियड में इसको बनवाया गया, और टिल जीवाजी राव सिंधिया तक इसका इस्तेमाल किया गया। महाराज साहब आगे बैठ अंदर बैठते थे, अटैच विद 12 हॉर्सेस, 12 घोड़े इसमें लग रहते थे। मोस्टली इसका इस्तेमाल फेस्टिवल ऑफ दशहरा पर होता था, लेकिन आखिरी समय इसका इस्तेमाल हुआ महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी में, उसके बाद परमानेंटली इसको यहाँ रख दिया गया। हो सकता है आगे जाके उनके बेटे की शादी में इसको उस जमाने में रानी इसके अंदर बैठ के आती थी, और ये ब्राइड्स के लिए है, ये ग्रूम्स के लिए एक्चुअली टू इन वन है, हल्की भी है हौदा भी है, यूज एन एलिफेंट बैग। अच्छा, बट इट्स गिफ्ट फ्रॉम शाहराम सेकंड फ्रॉम लखनऊ, एक्चुअली ही वाज मुस्लिम, सो ये आपको लिटिल बिट इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखाई पड़ रहा है। बैक के ऊपर यूज होने वाला ये भी हौदा है, व्हेन ही विल गो टू हंटिंग, हंटिंग हौदा कहलाता है। आगे महाराज विद हिज गन विद हिज हैट, पीछे उनका सर्वेंट हु प्रोवाइड विंग्स फॉर हिम, ये वाटर बॉटल, ये बायनाकुलर। चांदी की पालकी किसी भी रिलीजियस प्रोसेशन में यूज की जाती थी, जब भी जैसे हमारे यहाँ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जगन्नाथपुरी की यात्रा निकाली जाती है, वैसे ही एक यात्रा नियर फ्रॉम फेस्टिवल दशहरा निकाली जाती थी। भगवान की मूर्तियाँ अंदर होती थी, आगे से चार आदमी इसको खींच के चलाते थे। लेफ्ट साइड माय पोजीशन, दैट इज फ्रॉम फ्रांस, वी कॉल इट फ्रेंच फर्नीचर। राइट हैंड साइड देयर इज अ होल थिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड, बिकॉज ऑफ इट्स गिफ्ट फ्रॉम महारानी क्वीन विक्टोरिया टू हिज फैमिली, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट विक्टोरियन फर्नीचर। और इट वॉज मेड बाय टीक वुड, दैट इज मेड बाय रोज वुड, बट बोथ कैन हैव अ सेम फैब्रिक, बिकॉज ऑफ दैट इज रिनोवेटेड। इट मीन्स लुई नेपोलियन ने ये गिफ्ट किया था, और इज इट फ्रॉम फ्रांस। पूरे होल ओवर वर्ल्ड वी हैव ओनली थ्री दिस टाइप ऑफ फैब्रिक, फर्स्ट इज इन इटली, फर्स्ट इज इन फ्रांस, क्योंकि आई फ्रांस से थी, और सेकेंड वन जो है अभी निज़ाम हैदराबाद के म्यूजियम में रखे, जो बड़े हिंदुस्तान। हु डिजाइन दिस पैलेस? सर माइकल फ्लॉस, ही इज फ्रॉम फ्रांस, और ही लुक वाइज सर माइकल फ्लॉस। देखें आप, मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो शायद जैसा लगे। सबसे पुराना राजा सिंधिया, और शी वॉज फर्स्ट वाइफ ऑफ महाराजा माधवराव सिंधिया फर्स्ट। शी वॉज वेरी स्मॉल वन, टाइनी, शी हैज़ ओनली 4 feet 0.3 inches, सो दैट इज़ वाई एवरी वन इज़ वेरी स्मॉल वन, small swing, small chair, small bed, small sofa set, but a special version of that, these things totally made by walnut wood. Is it from Kashmir? Because of Kashmir, which is very famous for walnuts. So, सामने देखें, there is a beautiful carving over there, banyan tree with two elephants, elephant with cobra, WC. A small seat on bathtub. मसाज पार्लर उस जमाने का, और कॉपर के सब पॉट्स हैं। सो कैन यू सी द सॉर्ट्स, लॉट वी हैव सॉर्ट लॉट्स ऑफ सॉर्ट्स हियर, दीस सॉर्ट्स फ्रॉम हिज डायनेस्टी, इट मींस मराठा डायनेस्टी, दिस इज फ्रॉम मुगल डायनेस्टी, बोथ कैन हैव अ लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन बोथ। ये देखें आप, इट हैज अ लिटिल बिट आर्च, दैट इज स्टेट वन हैंडल लॉक, इट विल बी ओपन। ऊपर देखें जो तलवार है, महाजी शिंदे की तलवार है, और
एक कवच को भी काटने का मादा रखती थी। सामने जो डबल ब्लेड में तलवार लगी है ये किंग अकबर की ओरिजिनल वन तलवार है, हैविंग डबल ब्लेड। इसका नाम जुल्फकार है। इनकी मैथोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि कोई खुदा ने एक मामा साहब को कोई तलवार बख्शी थी, उसकी रेप्लिका और अकबर ने बनवाई थी, तो अकबर की है। और नीचे वाली जो लेटी पोजिशन लगी हुई है ये है औरंगज़ेब की तलवार। इसको हम तकिया तलवार के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ औरंगज़ेब हमेशा अपने तकिए के नीचे रख के इसको सोता। महारानी गजरा राजे सिंधिया, शी वॉज सेकेंड वाइफ ऑफ महाराजा मादर ऑफ सिंधिया फर्स्ट। इट्स मॉडर्नाइज है, हम और आप जैसा ही है। बेडशीट नहीं है इसमें, देखना है जिससे प्लेस फॉर रेडियो है, रेडियो रखने की जगह। मादर राजे सिंधिया के ड्रेसिंग में यूज़ किया हुआ फर्नीचर है, पूरा फ्रॉम बर्मिंगम क्रिस्टल का। पैलेस के अंदर सर ये वॉल कारपेट है, और ये वॉल कारपेट बड़ा फेमस देश हुआ ईरान, ईरान विच इज़ वेरी फेमस कंट्री फॉर कारपेट। और ईरान में भी एक शहर है कैरमान, इज इट फ्रॉम कैरमान। कैरमान में एक सुल्तान हुए जिनका नाम था अहमद शाह कज़ा, ही ऑर्डर टू हिज ट्रेडर्स, और उन्होंने अपने व्यापारी के द्वारा इसको बनवाया था, और उस व्यापारी को इसे बनाने में 13 साल लगे थे। ये 13 साल में बनाया गया कारपेट, वॉल कारपेट है। सिंधिया साहब जिन्होंने इस पैलेस को बनाया था 1874 में, ब्रॉन्ज की बनाई मूर्ति 99 किलोग्राम इसका वजन है, लंदन से बन के आई थी, हैविंग ए बिग मुस्ताश, सो दैट्स व्हाई वी लुक लाइक। ऊपर देखेंगे छोटा सा झूमर है, इस छोटे से झूमर का वजन है 1000 किलोग्राम, इट मीन्स 1000 किलोग्राम 1 टन।
So now we are in best of the best. इसको देखने दुनिया से लोग आते हैं और इसको कई किताबों में दीवाने खास लिखा गया, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है दरबार हॉल. दरबार मीन्स मीटिंग, सो दैट इज़ ए मेन मीटिंग हॉल ऑफ इन दिस पैलेस. इस हॉल के अंदर आपको दो झूमर दिखाई पड़ रहे हैं. ये दोनों ही झूमर दुनिया के बिगेस्ट, हैवीएस्ट और लार्जेस्ट हैं. एक शैंडलियर का वजन है 3,500 किलोग्राम, इट मीन्स 3.5 टन. सो बोथ कैन हैव 7 टन, 7,000 किलोग्राम. और एक झूमर में 248 बल्ब्स हैं, सो बोथ कैन हैव 496 बल्ब. दोनों ही झूमर में क्रिस्टल और ऑस्लर कट ग्लास का इस्तेमाल किया गया. दोनों ही झूमर बर्मिंगम में बने. F&C ऑस्लर कंपनी थी जिसने इसको बनाया था, बट महाराजा सिंधिया ने खरीदा था पेरिस से, फ्रांस से 1886 में. और सबसे बड़ी खासियत है कि आज भी बरकरार वर्किंग है. ओके, चांदी की है और जिस पर आप खड़े हैं इट मीन्स ए कारपेट. वी आर स्टैंडिंग ऑन वन पीस सिंगल लार्जेस्ट कारपेट. देयर इज नो जॉइंट. इट हैज़ ए 33x20 मीटर लॉन्ग. हम सरल भाषा में कहें तो 100x60 फीट का वन पीस है. इसमें कहीं भी कोई ये था हमारा सिंधिया पैलेस. आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ गाइस, प्लीज़.